एवरीवन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है क्या इसके लॉज होते हैं और बहुत सारी यहाँ पे जो टर्म्स हैं जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या वर्क फंक्शन क्या होता है और साथ ही साथ हम बात करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या उसकी क्वेश्चन है कैसे डिराइव करते हैं क्या एक्सप्लेन किया था आइंस्टाइन ने उस इक्वेशन में तो चलिए शुरुआत करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और हां अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें वीडियो को शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में चलिए शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट तो यहां पे पहला वर्ड ही जो है वो कंफ्यूजिंग आ गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है तो मोनो का मतलब होता है सिंगल वन और क्रोमो का मतलब होता है कलर तो मतलब सिर्फ एक कलर की जो लाइट होती है वो किसी मेटल प्लेट पे जब पड़ती है तो उस मेटल प्लेट से क्या होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाता है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकलने शुरू होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकलते हैं ना उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो देखिए ये जैसे एक मेटल दिखा रखा है मैंने और यहां पे क्या हुआ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो ही इसके ऊपर गिरी तो जैसे ही मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर गिरी तुरंत क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम सिंपल बोलेंगे कि वेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम द मेटल प्लेट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हुआ अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या क्या लॉज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तो एक एक करके तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे इसके तो पहला लॉ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की अब सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और जैसे ही यहां पे लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी ना तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लाइट जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मतलब अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा होगी तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो फ्रीक्वेंसी है पहला पॉइंट क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली होगी फ्रीक्वेंसी के जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी क्लियर हुआ सेकेंड बात करते हैं कि संख्या कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो किसके ऊपर डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके इंटेंसिटी के इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी के साथ कंपेयर कर देते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्रीक्वेंसी के साथ तो हमें ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटेंसिटी के साथ मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी सेकंड कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे क्लियर हुआ और थर्ड लो बहुत ही इजी है थर्ड लो क्या है कि देर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट एंड एमिशन लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में किसी भी तरह का कोई टाइम गैप नहीं होता है जैसे ही लाइट पड़ी तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना क्या होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है तो दोनों जो इसके लो हैं वो काफी इजी हैं और थर्ड लो तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि देर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट एंड एमिशन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ तो ये तो हमने बात की लोस के बारे में अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यूनोट से किससे करेंगे म्यूनोट से अब हम देखिए जैसे ही कोई लाइट मेटल सरफेस पर पड़ी अब कुछ समय के लिए मान लीजिए ये 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 जो बॉक्स बॉक्स है ये के हमारे पास मेटल सरफेस है ठीक है तो जैसे ही इस पर लाइट पड़ी इस लाइट ये जो स्केच पेन दिख रहा है ये एक लाइट मान लीजिए एक तरह से क्या है एक लाइट है तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जैसी ये लाइट इस पर पड़ी तो इस लाइट की अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कैपेबल होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मान लीजिए इस बॉक्स की कंडीशन है इस मेटल की कंडीशन है कि भैया मुझे तो ट्वेंटी uh, uh, हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर तो अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हुई एटीन हर्ड्स हुई तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी लेकिन अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी 19.5 पॉइंट हर्ट्स हुई तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे लेकिन अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ड्स होगी जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना क्या हो जाएंगे स्टार्ट हो जाएंगे तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कैपेबल होती है उसी को हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज जस्ट कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज जस्ट कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेस उसी को हम बोलेंगे थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ ध्यान तो रखना है एक बार ये क्वेश्चन जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का इन दोनों में से एक का ही आई एस के एग्जाम में ही पूछा गया था कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के लिए क्या क्या कंडीशन होती है अब जैसे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कंडीशन क्या है कि म्यू इज लेस देन म्यू नोट तो यहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रिक्वायर्ड है म्यू नोट तो जो हम हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी है जो म्यू है अगर वो म्यू नोट से मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमीशन पॉसिबल है नहीं है लेकिन अगर वो जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है तो बराबर है या उससे ज्यादा है तो उसके इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे तो उसके इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है ये कंडीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है और हो सकता है आगे ही पूछी जाए अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेव लेंथ के बारे में थ्रेश होल्ड वेव को हम लेमडा नोट से डिनोट करते हैं तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो मतलब एक अगर वेवलेंथ की वैल्यू कम है थ्रेश होल्ड वेव से वैल्यू क्या है कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमीशन होगा लेकिन अगर जो वेवलेंथ है वो थ्रेश होल्ड वेव से ज्यादा हो जाती है मेटेरियल की तो फोटो इलेक्ट्रिक एमीशन नहीं होगा तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव लेंथ फॉर ईच मटेरियल अबव विच देर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वो वेव लेंथ जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल ना हो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेव लेंथ अब मान लीजिए वेव लेंथ थ्रेशोल्ड वेव लेंथ है लेमडा नोट है ही जो और उस मटेरियल की वेव लेंथ है लेमडा अब वेवलेंथ क्या है ज्यादा है थ्रेशोल्ड वेव लेंथ से तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा क्योंकि अबव विच देर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा लेकिन जो थ्रेशोल्ड वेव लेंथ है और जो उस मेटीरियल की वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेव लेंथ से क्या है कम है तो उसके इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा तो थ्रेशोल्ड वेव लेंथ क्या होती है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मेटीरियल एबव विच देर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब बात करते हैं वर्क फंक्शन के बारे में अब देखिए जैसे ये बॉक्स है इस पे लाइट पड़ी जैसे इस बॉक्स पे लाइट पड़ी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना चाहेंगे ना जैसे बाहर निकलेंगे तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उन्हें बाहर निकलने के लिए स्केप करने और वो एनर्जी उन्हें कौन प्रोवाइड कर रही है वो लाइट प्रोवाइड करेगी ठीक है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है स्केप करने के लिए उस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए और उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट स्केप फ्रॉम द मेटल सर्फेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ध्यान रखना है वर्क फंक्शन को हम फाइव नोट से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं फाइव नोट से ठीक है अब जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है एच म्यू के तो यहां से एनर्जी को हमने नोट लिख दिया और म्यू को हमने लिख दिया म्यू नोट तो नोट बराबर एच म्यू नोट तो यहां से नोट की वैल्यू आ गई एच सी अपॉन लेमडा नोट क्योंकि म्यू नोट को हमने लिखा सी अपॉन नोट ठीक है तो एक फॉर्मुला ध्यान रखना है वर्क फंक्शन का और होता क्या है वर्क फंक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि द तो मिनिमम एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है स्केप करने के लिए बाहर निकलने के लिए और वो कौन प्रोवाइड करता है वो लाइट प्रोवाइड करती है ठीक है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन चलिए अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के बारे में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था तो ये इफेक्ट सबसे पहले एक्सप्लेन ये इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया आइंस्टाइन के थ्रू किसके बेसिस पे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पे जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था तो मान लीजिए कोई लाइट है जिसकी एनर्जी कितनी है एचमयू है ठीक है वो एक मेटल सरफेस पे गिर रही है वो जो लाइट है उसकी एनर्जी कितनी है h म्यू एनर्जी है वो एक मेटल सरफेस पे गिरी और उस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है फ नोट है तो अब देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो उसे जो उस पे एनर्जी गिरी मान लीजिए एनर्जी गिरी h म्यू अब वो एनर्जी जो है कुछ एनर्जी तो यूज हो यूटिलाइज हुई होगी मेटल को मेटल uh, से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ठीक है तो कुछ तो एनर्जी यूटिलाइज होगी फाइन नोट में और जो बाकी एनर्जी बची है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक मेटल सरफेस है उसपे लाइट पड़ी जैसी पर लाइट फॉल हुई तो उस लाइट की एनर्जी थी एच म्यू अब वो लाइट की एनर्जी दो काम में यूटिलाइज होगी पहला किस में पहला तो यूटिलाइज होगी वो उस मेटल सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में फाइनोट में और बची हुई जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तो एच म्यू जो है वो किसमें यूटिलाइज हो रहा है फाइनोट प्लस काइनेटिक एनर्जी में तो वही आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है मतलब इंसिडेंट लाइट है वो बराबर होती है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन या फोटो इलेक्ट्रॉन तो E बराबर आ गया फाइनोट प्लस काइनेटिक एनर्जी तो E की वैल्यू है एचम्यू तो एच मू बराबर फाइनोट प्लस काइनेटिक एनर्जी तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो सी अपॉन लेमडा होती है कितनी होती है सी अपॉन लेमडा तो एच सी अपोन लेमडा बराबर फाइनोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर तो यहां से क्या करेंगे एच सी अपोन लेमडा बराबर फाइनोट की जो वैल्यू होती है वो होती है एच सी अपॉन लेमडा नोट कितनी होती है एच सी अपोन लेमडा नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है ये फाई की फाइन नोट की वैल्यू अभी हमने प्रूफ की थी ना वर्क फंक्शन में एफ सी अपॉन लेमडा नोट होती है फाइव नोट तो हमने वही यहाँ पे वैल्यू रखी और ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्लियर हुआ अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फोटोन हैविंग लेमडा दे रखा है वेवलेंथ दे रखी है ट्वेल्व पॉइंट फोर नाइनोमीटर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ तो यहाँ पे हमने क्या किया एच सी अपॉन लेमडा बराबर फाइनोट हमें दे रखा है ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे हम चेंज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को या इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी एच की वैल्यू हमें मालूम है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू द पॉवर माइनस थर्टी फोर सी हमारा पता है स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू दावर एट और लैमडा यहाँ से गिवन है ट्वेल्व पॉइंट फोर नाइनो मतलब टेन टू दा पाइनस नाइन और ये दे रखा है बराबर ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे इजिली क्लियर हुआ तो इस तरह से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे पढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं क्या लॉज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ ही साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है वर्क फंक्शन क्या होता है और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो लाइक करें शेयर करें वीडियो को एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें वीडियो को और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें